Welcome to Mathematics Greatest Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. A very big thank you for all those viewers who were viewing my channel and all those who subscribed me, as we have crossed 1000 subscribers and we are around 1200 subscribers right now. So we are heading towards a big channel, and thank you for your support. You have shown me a lot of love till now. So let's start today's topic of class 12th. It is lecture number 4th. So let's start. Today's topic is adjoint and inverse. In the last lecture we have discussed the area of triangles. In the first lecture we have read माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जिसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है इसमें, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में. तो पहले जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो फर्स्ट वीडियो देख के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देख लें, एक उसका रिवीजन करा देते हैं. माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है और इसके माइनर्स निकालने हैं. तो सबसे पहला बात, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना माइनर होगा, ठीक है. तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो मींस मेरा माइनर कितना होगा, 9 माइनर होगा. जैसे किसी का ही माइनर निकालें, जैसे हम 2 का माइनर निकाल लें तो माइनर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 वाले कॉलम को डिलीट कर दो और 2 वाले रो को डिलीट कर दो और जो बचेगा वही मेरा माइनर होगा. तो क्या क्या बच गया मेरा, 4, 6, 7, 9, ठीक है, 4, 6, 7, 9, ये किसका है, माइनर ऑफ 2. ऐसे किसी और का माइनर निकालना है, मान लो माइनर ऑफ 8 निकालना है तो माइनर ऑफ 8 कितना हो गया, 8 वाला ये डिलीट कर दो और ये कॉलम डिलीट कर दो, क्या बच गया, 1, 3, 4, 6, ये बच गया. तो ऐसे सारे जितने एलिमेंट्स होंगे सबके माइनर होंगे. माइनर निकालने का हमने तरीका भी देख लिया कि जिसका माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम डिलीट करके जो बच रहा है उसको लिख दो, ठीक है. तो अब जैसे माइनर ऑफ 2 है, अगर हम 2 का पोजीशन देखें तो 2 का पोजीशन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, m ऑफ 1, 2, ठीक है. इस माइनर को माइनर ऑफ 2 ना कह के m 1, 2 भी लिख सकते हैं. ऐसे माइनर ऑफ 8 को क्या कह सकते हैं, 3, 2, थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. तो माइनर कैसे निकालते थे, ऐसे ही निकालते थे. अब इससे देख लो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. कोफैक्टर में क्या करते हैं, माइनस से उसका पोजीशन आई प्लस जे और उसी का माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे हमको एम 1, 2 का, या जितने देखो इसमें भी जितने एलिमेंट्स होंगे उतने कोफैक्टर्स होंगे, तो हमको 2 का कोफैक्टर निकालना है. मींस पोजीशन 1, 2 का हमको कोफैक्टर निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस ऑफ 1 और ये जो रो और कॉलम है इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 और माइनर ऑफ 1, 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया. तो माइनस 1 और माइनर ऑफ 1, 2 क्या है मेरा, 4, 6, 7, 9, और इसकी वैल्यू निकाल लो, -1 ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 9, 4 जो 36 -42, तो -6 × -1, 6, तो कोफैक्टर भी आ गया. कोफैक्टर में क्या करते हैं, उसकी पोजीशन -1 का पावर लिख देते हैं और उसकी पोजीशन को ऐड कर देते हैं और इनटू उसका माइनर,
ये है मेरा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी क्लियर हो गया और माइनर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग एडजॉइंट का बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स लेक्चर वन नहीं देखे थे वो लेक्चर वन देख लेंगे। सो ये एग्जाम्पल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं हम लोग एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देख लो कोई मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स है 2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, सॉरी कोफैक्टर, हाँ सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर। कोई मैट्रिक्स ए है तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के देखें सारे अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर निकाल देंगे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। कोफैक्टर निकाल दिया, पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसका कोफैक्टर निकाल दिया। अब कोफैक्टर के बाद उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, मींस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। और ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ये हो गया क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। और इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इसको हम लोग ऐसे देखते हैं adj, और जिसका निकालें जिस भी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स को लिखेंगे। यहाँ पे ए का निकाल लेते हैं तो एडजॉइंट ए हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे फिर कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा एडजॉइंट आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और जो भी एडजॉइंट होगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा क्योंकि उसी के डिटरमिनेंट हमें पॉसिबल होंगे। तो जो भी मैट्रिक्स हम लोग एडजॉइंट जिस भी मैट्रिक्स का निकालेंगे वो सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम लोग थ्री ऑर्डर का देख रहे थे, टू ऑर्डर में देख लो, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर टू का है a11, a12, a21, a22, अगर इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना है कोई 2x2 या ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का, तो इसमें देखो क्या करेंगे, जो ये वाला है डायगनल उसको हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है, a22 इधर आ जाएगा, a12 इधर आ जाएगा, और जो ये वाला डायगनल है इसका साइन चेंज कर लेंगे, इसका साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1, 2, 3, 4 इसका हमको एडजॉइंट ए निकालना, तो एक तो वो प्रोसेस हो गया जो बताए थे हम, ठीक है, कि हम क्या निकालेंगे इसका, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर हमें डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली लाना चाहें, ये सिर्फ 2x2 पे है ये, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले को इंटरचेंज कर दे इस वाले डायगनल को, तो ये हो गया 4, 1, और इस वाले को साइन चेंज कर दे -2, -3, तो डायरेक्टली हम
कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट तीन चार थ्योरम देखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम देखो, उस पर एक जॉइंट पे पहला कह रहा है इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, देन ए इंटू एडजॉइंट ए अगर हम करें, या एडजॉइंट ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए उस इंटू आई, ये रिजल्ट आए। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हम उसके एडजॉइंट से इनटू करें, मल्टीप्लाई करें, या कोई एडजॉइंट है किसी मैट्रिक्स का हम उसके मेन मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इनटू आई, और आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। अगर ऑर्डर यहाँ पे एन था तो आई का भी ऑर्डर एन रहेगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ठीक है। और इसी का एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे, वो अभी हम लोग जो निकाले थे, तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ये है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दें। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम इंटू हो जाएगा। तो देखो ए वन वन इंटू को फैक्टर ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू को फैक्टर ए वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू को फैक्टर ए वन थ्री, ये देखे होगे। ये पूरा अगर मेरा कोई भी एलिमेंट और को फैक्टर सेम पोजिशन पे अगर सेम वाला है तो जब भी हम इसको इंटू करेंगे, इसका और इसका पूरे का सम जब इंटू करके करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, उसी ऑर्डर के उसी मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट आ जाएगा, मींस डिटर्मिनेंट ए। और जब भी हम किसी और से इंटू करें, अब देखो ए वन वन इंटू ए टू वन, मतलब देखो ए वन वन इंटू ए टू वन प्लस ए वन टू इंटू ए टू टू प्लस ए वन थ्री इंटू ए थ्री थ्री ए टू थ्री है सॉरी। तो जब ये इंटू करेंगे और जब यहाँ पे देख रहे हो ना इसका पोजीशन चेंज है तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इस हिसाब से सेकेंड और थर्ड ज़ीरो है और फिर ये वाला ज़ीरो, क्योंकि देखो ये और ये इंटू करेंगे टू वन है, वन वन पोजीशन है, फिर वो वाला ज़ीरो। अब इसका और सेकंड वाले का डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, फिर ये ज़ीरो, फिर देखो थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो फिर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं मेरा, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर ये इस वैल्यू से इसका डिटर्मिनेंट आया है।
तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो यहां से हम अगर ए कॉमन ले लिए, क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से अगर हम पूरा कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो से पूरा डिटरमिनेंट ए बाहर आ जाएगा और अंडर मैट्रिक्स में क्या बचेगा, 100 010 001. और ये क्या होगा, आई होगा. तो डिटरमिनेंट ए इनटू आई, हेंस ये प्रूफ. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख लो. सिंगुलर मैट्रिक्स देख लो. सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैट्रिक्स है कोई ए, अगर इसका हमको डिटरमिनेंट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 8 1 4, और क्या हो जाएगा, 4 2 8 -8 0. तो ये कैसा मैट्रिक्स है. अब सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये तो कहना ही नहीं है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट उसी का आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट आता है. तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स whose determinant is not equals to zero. For example, 2 6 4 1. अब इसका determinant देख लो कितना हो जाएगा, 12 -4 8 हो जाएगा. तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाई, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट थ्योरम. थ्योरम क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो ए बी मैट्रिक्स मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाए, और बी ए मैट्रिक्स भी हमेशा नॉन सिंगुलर रहेंगे और सेम ऑर्डर के रहेंगे. यही कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. वो क्या कह रहा है कि अगर द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस हैं उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, तो उन दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट जब हम कर देंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा. और यहाँ पे एक और चीज देखना है कि ए एंड बी आर बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए और सेम ऑर्डर का रहना चाहिए, तब जाके ये चीज पॉसिबल होगा. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब लेट्स हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंक्लूजन है, पहले इसको हम लोग इसी थ्योरम से देखते हैं. अभी तक हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ए पढ़े हैं इनटू ए, ये हम लोग क्या जान रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आई है, थ्योरम वन से जान रहे हैं ये. अच्छा, अगर हम यही चीज़ लगाएं, क्योंकि एडजॉइंट ए और ए का क्या होता है, दोनों एक मैट्रिक्स है और दोनों ऑर्डर सेम है, तो ये चीज़ हम लगा सकते हैं. तो अगर हम दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें एडजॉइंट ए इनटू ए,
ये डिटरमिनेंट है, और इधर अगर हम डिटरमिनेंट को, ये मेरी वैल्यू क्या आई थी, यही आया था, ठीक है, दोनों क्या था, यही आया था ना, बाहर मैट्रिक्स था, यहां पे डिटरमिनेंट लिया गया तो डिटरमिनेंट है। तो अब इसमें देखो, अब ये डिटरमिनेंट है, वहां पे ध्यान में रखना, अगर वीडियो को बैक ले जाके वहां पे देख लेना कि मैट्रिक्स है था वहां पे, तो जब मैट्रिक्स से हम डिटरमिनेंट ए कॉमन लिए थे तो वो हम बताए थे सारे रोज में जो कॉमन होगा वो पूरा निकल जाएगा। अब डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से निकलता है। तो पहले कॉलम से हम डिटरमिनेंट ए निकाल लें, दूसरे कॉलम से हम डिटरमिनेंट ए निकालें, तीसरे कॉलम से हम डिटरमिनेंट ए निकालें, तो क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए का क्यूब हो गया इंटू आई, ये हो गया। क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए क्यूब इंटू आई हो गया। अब यहां से ये चीज लगा लो तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, ये आ जाएगा। अब देखो इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, और यहां से डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए का पावर यहां 3 है, तो यहां क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए का पावर स्क्वायर और इनटू आई, ये हो गया। आई चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो यहां से हम एक और चीज देखो, अभी तो हम 3x3 का मैट्रिक्स लिए थे तब ये आया था, अगर हम कोई ऑर्डर n का मैट्रिक्स ले लें, ऑर्डर n का मैट्रिक्स ले लें, कोई a मैट्रिक्स हम ले ऑर्डर a का, सॉरी ऑर्डर n का, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, और जिसका, अब देखो एडजॉइंट a यहां पे 3x3 था तो यहां पे 2 है, तो एडजॉइंट a अगर n है ऑर्डर का तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम लोग के, जब हम एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट पूछ ले तुमसे, तो हम a का डिटरमिनेंट निकाल के अपॉन n माइनस 1 कर सकते हैं, और n क्या है, a का ऑर्डर है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इक्वल्स टू i है, तो ये हो सकते हैं, डिटरमिनेंट दोनों साइड ले लो, ये भी बोल सकते हैं,
नेक्स्ट देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इनवर्स निकालने का है, उसका एडजॉइंट निकालो और उससे उसके डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर दो तो ये पूरा ए इनवर्स आ जाएगा। ये देखो कैसे आया, ये हम लोग पढ़े एडजॉइंट ए थ्योरम 1 से, इनटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई, ये पढ़े थे हम लोग। अब इसमें देखो ए को हम उधर ले गए और डिटरमिनेंट ए को लेफ्ट साइड लाए तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो ये हो गया मेरा इनवर्स का। तो इनवर्स हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़े हैं, वो इनवर्स हम लोग किसे निकाल रहे थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाल रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्ट विद द यूज ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्वेश्चंस में आप लोगों को मिल जाएगा कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना है या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना है यूजिंग द डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरा रिड्यूस हो गया है, लास्ट चैप्टर का जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन जो इनवर्स निकालना था वो हटा दिया गया है कोर्स में, तो अब जो भी पूछेगा इनवर्स वो इसी मेथड से निकालना है। तो मींस ये मेथड अब डबल इम्पॉर्टेंस हो गया है इसका, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना भी हर एक साल CBSE में आता था क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि वो हट गया है, उसको हटा दिया गया है अभी, तो ये अब इसका वैल्यू बढ़ गया है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन कि और क्लियर हो जाए। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4 और इसका एडजॉइंट निकालो और इनवर्स बोथ। तो एडजॉइंट निकालना तो सबसे इजी है, एडजॉइंट निकालने के 2x2 का है मैट्रिक्स, तो 2x2 में हम क्या बोले थे, इस वाले डायगनल्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो इधर 4 हो गया, इधर 1 हो गया, और इधर वाले डायगनल को साइन चेंज कर दो सिर्फ, एडजॉइंट ए ये हो गया। फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट की देखो वैल्यू क्या आएगी, 4 - 6 तो क्या हो गया, -2, तो ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए ये हो गया 4 - 2 - 3 - 1 और डिवाइडेड बाय -1/2 और -2 से डिवाइड कर दो सब तो क्या आ जाएगा, 4 upon -2 - 2 - 1 - 3/2 or 1/2 तो ये इसका ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स निकालने के क्या किए, सबसे पहले हम एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट कैसे निकाल रहे हैं हम, सबसे पहले उसका हम को माइनर निकालेंगे, उसको कोफैक्टर से इंटू कर देंगे तो कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल दिए फिर उसी डिटरमिनेंट से उस एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और एक चीज़ इनवर्स के उसमें बता देते हैं कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, हम उसी का इनवर्स उसी का पॉसिबल हो जाएगा। तो इसे लिख लो, इनवर्स इज ओनली पॉसिबल when the matrix is non-singular, और non-singular bracket में लिख लो determinant of
कोई भी मैट्रिक्स हो अगर ए ले रहे हैं तो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको नोट में करके लिख लेना, क्योंकि इनवर्ड्स हम उसी का पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर जीरो आ गया तो मींस उसका इनवर्ड्स पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसका डिटर्मिनेंट या सिंगुलर मैट्रिक्स है वो, तो उसका इनवर्ड्स पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये सब इतना निकालेंगे ही नहीं, सीधे लिख देना इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, इसी पे सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज के कर लेना। जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और कुछ ही दिन में हम लोग लाइव आएंगे वो सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।